आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, आप सब कैसे हैं? आप जब मेरे चैनल को देखते हैं तो चैनल देखते वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कर दीजिए। तो आज हम चलते हैं, सर्दियों का मौसम आ गया है और आज हम वेजिटेबल सब्जियों का हम सूप बनाएंगे, ठीक है? तो आप भी देख लीजिए कैसे बनता है। तो चलते हैं बनाने के लिए। ये देखिए, वेजिटेबल सूप बनाने के लिए ये मैंने सब्जियों को धुल करके काट लिया है अब छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये है शिमला मिर्च, है शिमला मिर्च हमने लिया है, थोड़े काट लिए, थोड़ा गाजर भी हमने काट लिया है और थोड़ा सा हमने ये कैबेज भी काट लिया है, बंद गोभी, और ये हमने दो टमाटर भी काट लिए हैं। अब हम चलते हैं बनाने के लिए। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है। सबसे पहले वेजिटेबल सूप बनाने के लिए मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी। देखिए तेल ये बटर ये गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा दो लौंग डाल देंगे, बहुत टेस्टी बनता है। ये दो छोटे छोटे मैंने तेज पत्ता डाल दिया है। अब हम अदरक और लहसुन ये डाल देंगे। इसमें खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें सब्जियों को धीरे धीरे करके सब डाल देंगे। ये गाजर है, थोड़ा को चला देंगे। ये देखिए, सब्जी में थोड़ा सा इसमें कच्चापन निकल जाएगा तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि गल जाए। आप फ्रेशबीन भी डाल सकते हैं, और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे ब्रोकली हुआ, और भी सब्जियां आप डाल सकते हैं। अब ये हो गया है, अब हम इसमें कम से कम 1 लीटर पानी डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देंगे। ये देखिए, अब 5 मिनट हो गए हैं, इसको ये 4 से 5 लोगों के लिए मैंने सूप तैयार किया है। और अब इसमें इसको गाढ़ा करने के लिए हम ये जो है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच डाल देंगे। ये मैंने घोल लिया था। इससे ये गाढ़ा हो जाएगा।
से आप गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ा से क्रॉन, हम बच्चों को बहुत पसंद है क्रॉन, थोड़ा सा मैंने इसमें ये भी डाल दिया। और ये हम काली मिर्च थोड़ा सा डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। ये देखिए अब धीरे धीरे ये गाढ़ा हो गया है। दो मिनट के बाद इसको हम फिर उतार लेंगे। ये देखिए ये सूप अब गाढ़ा हो गया है और बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब इसमें आधा नींबू थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। और ये देखिए वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हो गया। इसको अब हम बाउल में निकालेंगे। ये देखिए वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हो गया है और आप भी इसी तरह बनाइए। ये देखिए ये वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हो गया है और इसको इसी तरह से आप बनाइए। और वेजिटेबल सूप बहुत ही टेस्टी बना है, आप बनाइए। बना करके मेरे चैनल पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्या कीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।